हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। जैसे हम क्या कर रहे थे, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन टू 18 क्वेश्चन, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है वो है What is triple fusion? Where and how does it take place? Name the nuclei involved in triple fusion. Triple fusion क्या है, ये कहाँ पे होता है, कैसे होता है, और इसमें कौन से न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहले ट्रिपल फ्यूजन की डेफिनेशन मैं बता दूं। इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है उसका फ्यूजन होता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो सेंट्रल सेल में लोकेटेड होते हैं। ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इनसाइड एम्ब्रियोसेक, और ये एम्ब्रियोसेक के अंदर होता है। वन मेल गैमेट न्यूक्लियस एंड टू पोलर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या था कि इसमें कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, तो एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस और दो पोलर न्यूक्लियाई इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हम पढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक जाइगोट इज डॉर्मेंट फॉर सम टाइम इन अ फर्टिलाइज ओव्यूल? एक फर्टिलाइज ओव्यूल में जाइगोट है वो डॉर्मेंट क्यों होता है? अब देखिए, जैसे जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एंडोस्पर्म सबसे पहले मैच्योर होना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या होता है, अपनी डेवलपमेंट के लिए फूड चाहिए होता है, या हमको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम होता है एंडोस्पर्म का। तो इसीलिए क्या होता है, एंडोस्पर्म पहले डेवलप कर जाता है और उसके बाद जाइगोट डेवलप होना स्टार्ट करता है। Endosperm provide food for growing embryo, and after the formation of endosperm, development of embryo from zygote start. Therefore, zygote is dormant for some time in a fertilized ovule. So, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। 4 पॉइंट्स हैं जिसमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल में क्या डिफरेंस होता है। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बेलो कॉटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कॉटिलिडन के नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन, क्या कहलाता है, एपिकोटाइल। टर्मिनेट विद रेडिकल, ये टर्मिनेट होता है रेडिकल के रूप में, और एपिकोटाइल हमारा टर्मिनेट होता है प्लूमल के रूप में। सेकेंड हमें डिफरेंस बताना है कोलियोप्टाइल और क्लियोराइजा में। सबसे पहले हम क्लियोप्टाइल पढ़ते हैं। इट इज अ प्रोटेक्टिव शीट दैट एनक्लोज द प्लूमल इन अ मोनोकोट सीड। ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जो क्या करती है, प्लूमल को कवर करती है। क्लोराइजा क्या होता है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड शीट दैट एनक्लोज द रेडिकल। ये क्या करता है, रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है और रूट कैप को प्रोटेक्ट करता है। ग्रो मच बियॉन्ड ग्रेन, ये क्या होता है, जब ग्रेन हमारा होता है उससे काफी दूर तक डेवलप करता है। क्लोराइजा क्या है, आफ्टर इमर्ज फ्रॉम ग्रेन इट स्टॉप ग्रोइंग, मीन्स ग्रेन से निकलने के बाद ये ग्रो करना बंद कर देता है। और क्लियोपटाइल हमारा क्या होता है, ग्रेन से निकलने के बाद भी काफी दूर तक ग्रो करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटिगमेंट और टेस्टा में क्या डिफरेंस होता है। इंटिगमेंट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ओव्यूल, ये हमारी ओव्यूल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। टेस्टा सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इंटिगमेंट्स में सेल जो है लिविंग होती है, टेस्टा में जो सेल होती हैं वो डेड होती हैं। इंटिगमेंट एक प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है, मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले देखे जाने वाली स्ट्रक्चर है, और जो टेस्टा है वो फर्टिलाइजेशन के बाद देखे जाने वाली स्ट्रक्चर है। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं पेरिस्पर्म और पेरिकार्प के बीच में। पेरिस्पर्म क्या है, जो मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यूक्लियस हमारा होता है उसे एम्ब्रियो क्या करते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। तो अगर जो न्यूक्लियस है वो बच जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। पेरिकार्प क्या है, फ्रूट की कवरिंग है, यूजली ड्राई। पेरिस्पर्म जो है सूखा हुआ होता है, लेकिन पेरिकार्प ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी। फ्लैशी मीन्स एक, जैसे जो आपने आम खाया उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं फ्लैशी, ठीक है। पेरिस्पर्म प्रेजेंट इन फ्यू सीड्स, कुछ ही सीड्स में देखा जाता है, लेकिन जो पेरिकार्प है वो हर फ्रूट में देखा जाता है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार 2 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। चाहे आप सीबीएसई की बात करें, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड आपका, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। व्हाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट? एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? विच पार्ट ऑफ फ्लावर फॉर्म द फ्रूट? और कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो इस फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो देखिए ऐसे फ्रूट जो क्या करते हैं ओवरी को छोड़ के या हम कहें ओवरी के साथ साथ जो एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट होते हैं जैसे हमारा क्या होता है पेटल्स एप्पल इन सब को अपने अंदर ले लेता है या उन सबसे मिलकर फ्रूट बनता है। ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फ्रूट ड्राइव्ड फ्रॉम ओवरी एंड अदर एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। इन एप्पल थैलमस ग्रो टू फॉर्म फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट। एप्पल में क्या होता है जो थैलमस होता है वो ग्रो करके एडिबल पार्ट्स बनाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे जो है व्हाट इज मीन बाय एमेस्कुलेशन, व्हेन एंड व्हाई डज अ प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में जब हमने बैगिंग पढ़ा था तो मैंने वहां पे आपको एमेस्कुलेशन बताया था। एमेस्कुलेशन क्या है, जब हम किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में से एंथर को रिमूव कर देते हैं तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है एमेस्कुलेशन। Emasculation is the process of removal of anther from bisexual flower without affecting female reproductive part. Emasculation is done by plant breeder in bisexual flower to obtain desired variety of plant by crossing a desired pollen grain. और ऐसा हम किस लिए करते हैं ताकि हम अपने desired variety of plant को पाने के लिए desired pollen grain का germination करवा सकें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। If you can induce parthenocarpy through the application of growth substance, which fruit you select to induce parthenocarpy and why? तो पार्थिनोकार्पिस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पार्थिनोकार्पिसिकली क्या है इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन। पार्थिनोकार्पी भी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं फ्रूट का फॉर्मेशन करवाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के बिना सीड फॉर्मेशन के। ठीक है, तो अब देखिये यहाँ पे आपसे कहा गया है कि अगर आपको एक ऐसी टेक्निक दी जाए जिसमें आप पार्थिनोकार्पी का यूज करके फ्रूट को क्या कर सकते हैं ग्रो करवा सकते हैं तो आप किन फ्रूट्स को सिलेक्ट करना चाहेंगे। तो हम ऐसे फ्रूट को सिलेक्ट करेंगे जिनमें बीज नहीं हो। क्यों? क्योंकि पार्थिनोकार्पी में क्या होता है सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो हम ऐसे प्लांट या ऐसे फ्रूट को सिलेक्ट करेंगे जिनमें सीड ना हो और उनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी हो, जैसे ऑरेंज हो गया बनाना हो गया लेमन हो गया। ठीक है, इन सब में बीज नहीं होता लेकिन ये सब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। Seedless variety of economically important such as orange, lemon, banana are produced using this technique. इस टेक्निक का यूज करके हम बनाना जैसे फ्रूट का प्रोडक्शन करेंगे। और बेसिकली देखिए मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता देता हूँ। इस पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सिन। ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है वो सब्सटेंस ऑक्सिन। अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैप्टम इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल। टैप्टम का क्या रोल होता है पोलन ग्रेन की वॉल की फॉर्मेशन में। तो जैसे देखिए मैंने आपको बताया है कि टैप्टम हमारा बेसिकली क्या करता है माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। लेकिन मैंने उसके साथ एक और फंक्शन बताया था कि ये कुछ एंजाइम भी रिलीज करता है जैसे कैलेज जो क्या करता है कैलोज जो हमारे 4 माइक्रोस्पोर को इकट्ठा करके रखते हैं उन्हें उनका ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ ये और भी कुछ एंजाइम रिलीज करता है कुछ एसिड रिलीज करता है जो क्या करता है पोलन ग्रेन की वॉल को बनाने में हेल्प करता है। सेल ऑफ टैप्टम प्रोड्यूस वेरियस एंजाइम हार्मोन अमीनो एसिड एंड अदर न्यूट्रिश मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। आल्सो प्रोड्यूस एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन विच इज कम्पोज ऑफ स्पोरोपोलेनिन। और ये एक्साइन लेयर में बनाने में भी हेल्प करता है जो बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन से। 18th नंबर क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस वीडियो का व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस। एपोमिक्सिस क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो एपोमिक्सिस एक तरीके का हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो क्या करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करता है। इसमें क्या होता है सीड का फॉर्मेशन होता है बिना किसी सिनगैमी के और बिना किसी मियोसिस के। Apomixis is the mechanism of seed production without involving the process of meiosis and synergamy. Prevent loss of specific character in hybrid. अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्लांट है ठीक है जिसके पास एक स्पेसिफिक करेक्टर है तो अगर वहां पे मियोसिस नहीं हो रही है तो वहां पे हमारा आगे कोई हाइब्रिड नहीं बनेगा जिसकी वजह से हमारा जो स्पेसिफिक करेक्टर है वो प्रिवेंट रहेगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। और जो हमारा चैप्टर 2 का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन है वो भी हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आंसर पढ़ेंगे या हम कहें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आपको समझ आया है आपको आंसर अच्छे लगे हों ठीक है और आप मेरे आंसर से पूरी तरीके से सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।